कराची में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, सूरज आग बरसाने लगा, यहीं ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया। आइए पूछते हैं ठंडे मशरूबात बेचने वालों से कि वो क्या कहते हैं। शरबत पीने आया हूँ फिर भी मुझे चैन नहीं आ रहा है। नींबू पानी सेहत के लिए अच्छा है, नींबू पानी पीने आया हूँ फिर भी इतना गर्मी शदीद हो रही है कराची में, बस क्या बताऊँ, इतनी गर्म हवा है तेज बहुत ज़्यादा। हाँ, पानी के ज़्यादा बंदा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, शरबत पी ले, तरबूज है, तरबूज खा ले, सुकून मिलता है थोड़ा सा। पीना चाहिए गर्मी के अंदर, बहुत फ़ायदेमंद होता है ये, वरना पसीने आ जाते बंदा, एक तो लू इतनी चल रही है, गाड़ी पे बंदा आ रहा हो, गाड़ी पे बैठे बैठे पसीने छूटने लग जाते हैं, गर्म हवा लग, हाँ चक्कर भी बहुत आ रहे हैं और जिसम में ढालपना हो रहा है। इस वजह से नींबू पानी और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए गर्मियों में। शरबत तो भाई जगह जगह पर होना चाहिए, शरबत पीना भी चाहिए क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है और पानी की प्यास, फिर शरबत तो फिर रो अफ़ज़ा वगैरह और ये शिकंजी वगैरह तो सेहत के लिए फिर अच्छी है। बढ़ती हुई गर्मी और लू, महकमा सेहत ने हाई अलर्ट जारी किया है, जितना हो सके आप लोग पानी पिए, अगर पानी पिए तो क्यों ना नींबू पानी पिए। सरफराज अली, विनस एसडी, कराची।